नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं BSNL, MTNL और VRS रिलेटेड सारी खबरों के बारे में, जिन्हें कि आपको समय रहते पता होना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस बार भी एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार जरूर क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको हमारे वीडियो डायरेक्टली आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आते रहें और इसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क भी नहीं लगेगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक लेटर से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नई दिल्ली की ओर से जारी हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, इस साल जनवरी में 31 जनवरी को बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारियों को VRS देकर BSNL ने अपने काम करने वाले लोगों की छटनी कर अपने ऊपर बढ़ रहे तनख्वाह सैलरी के बोझ को कम किया था। परंतु इस लेटर से ऐसा जाहिर हो रहा है कि BSNL ग्रुप ए के लेवल को के ऑफिसर्स को फिर से लेना चाहती है दूसरे डिपार्टमेंट से। आइए देखते हैं क्या सर्कुलर है ये। इसका सब्जेक्ट है इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप ए लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज फॉर अपॉइंटमेंट इन BSNL अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफ सर्कल IFA ऑन डेपुटेशन बेसिस। अब आपको बता दें, गवर्नमेंट चाहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो अकाउंट और फाइनेंस की विंग में हैं, वो BSNL में अपॉइंट हो IFA की पद पर। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इंटीमेट दैट डायरेक्टर HR BSNL बोर्ड इन लेटर डेटेड 28 फरवरी 2020 एंड 19/6/2020 हैज प्रपोज टू फिल अ पोस्ट ऑफ IFA इन BSNL बाय डेपुटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। दोस्तों, यहाँ सरकार चाह रही है कि कम से कम 3 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट और फाइनेंस सर्विसेज से जुड़े ग्रुप ए के अधिकारी हैं, उसे BSNL में IFA की पोस्ट पर डेप्यूट किया जाए। अब हम बात करते हैं किन किन सर्कल्स में इनके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसमें आता है नाम गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, NE1, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, NE2, हरियाणा, यूपी वेस्ट, CNTX नॉर्थ, CNTX साउथ, CNTX ईस्ट, CNTX वेस्ट और NET FM एंड हैदराबाद। द विलिंग एंड एलिजिबल SAG लेवल ऑफिसर्स ऑफ IP एंड TAFS ग्रुप ए मे अप्लाई एंड सेंड दियर एप्लीकेशन मेंशनिंग दियर चॉइस ऑफ सर्कल थ्रू प्रॉपर चैनल्स टू रीच द अंडरसाइंड ऑन और बिफोर 4th दिसंबर 2020 पॉजिटिवली फॉर टेकिंग फर्दर नेसेसरी एक्शन। और साथ में बताया गया है कि जो ऑफिसर्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो 4 दिसंबर 2020 तक अपनी एप्लीकेशंस को और भेज दें और उसमें साथ में मेंशन करें कि वो किस सर्कल में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करें हाउ टू एक्टिवेट VI रोमिंग इन दिल्ली एंड NCR एरिया ऑन BSNL नेटवर्क। BSNL इज रिपोर्टेडली इन टॉक्स विथ वोडाफोन आइडिया फॉर द इंटर सर्कल 4G रोमिंग पैक्स। हाउएवर इन रिटर्न्स VI हैज डिमांडेड फॉर 1000 किलोमीटर कनेक्टिविटी स्पेशली टू सर्कल इन राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, BSNL अपने 4G नेटवर्क के लिए वोडाफोन आइडिया के साथ करार उनसे संबंध बनाना चाह रहा है। उसी के क्रम में BSNL ने वोडाफोन आइडिया से कंटिन्यू बात कर रहा है और साथ ही जो VI है वो BSNL से करीब 1000 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के लिए बात कर रहा है। द डेवलपमेंट कम सून आफ्टर भारत संचार निगम लिमिटेड अनाउंस its plan to provide its service in Delhi and Mumbai. At present, if anyone want to avail the intra-circle 4G roaming service, then that person should follow all these steps and tricks. दोस्तों, यदि आप दिल्ली और मुंबई में हैं और आप चाहते हैं
BSNL की 4G सर्विस को पाना, जिसके लिए आपको VI वोडाफोन आइडिया का इंटर सर्कल रोमिंग एक्टिवेट करना होगा। इसे कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। टू एक्टिवेट वोडाफोन रोमिंग सर्विसेज यू हैव टू सेंड एन एक्टिवेशन मैसेज टू 533333। यदि आप करना चाहते हैं वोडाफोन की रोमिंग को एक्टिवेट, तो आपको अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजना होगा 533333 को। ऑल्सो अ BSNL हैज टू सेंड ACT रोम टू 533333 और आपको एक ACT ROM लिखकर इस नंबर पर सेंड करना है। वंस इट इज डन यू हैव टू मैन्युअली सिलेक्ट द वोडाफोन एंड MTNL नेटवर्क। हाउएवर द नेशनल रोमिंग कॉल चार्ज हैज टू बी पेड बाय द कंपनीज कस्टमर। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप मैन्युअली वोडाफोन और MTNL का नेटवर्क को सिलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है BSNL टू रोल आउट 4G नेटवर्क इंटरनेट सर्विसेज इन बॉर्डर एरिया ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया पे BSNL अपने 4G नेटवर्क को स्थापित करेगा और हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा वहां देगा। स्टेट रन टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर BSNL इज ऑल सेट टू रोल आउट 4G मोबाइल नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज इन रिमोट एरियाज ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। संजय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्टर साहब हैं एजुकेशन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहा है कि BSNL अपनी 4G मोबाइल नेटवर्क और अपनी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को रिमोट एरिया जो कि बॉर्डर से लगे हुए हैं उत्तराखंड में, वहां पर स्थापित करेगा। On Friday said that BSNL is going to install 28 4G mobile towers in the border area in Chamoli, Pithoragarh, Champawat and Uttarkashi district under the Universal Service Obligation USO project. दोस्तों आपको पता होगा BSNL को USO project के अंतर्गत बीच बीच में बहुत से सारे project मिलते हैं, उसी के अंतर्गत ही करीब 28 4G towers बॉर्डर एरिया में लगाए जाएंगे, जो कि चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। फॉर दिस 28 टावर्स 21 साइट्स हैव बीन सिलेक्टेड एंड टावर इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस इन 11 साइट्स हु वाज इन देहरादून ऑन एन ऑफिशियल विजिट। मिनिस्टर साहब की ऑफिशियल विजिट में बताया गया कि करीब 28 टावर में से 21 टावर को सिलेक्ट कर लिया गया है और टावर इंस्टॉलेशन का काम 11 साइट्स पर चालू हो गया है। ही एडेड दैट मोबाइल कनेक्टिविटी इन दिस एरिया विल ग्रेटली हेल्प द प्रिलिमिनरी एंड डिफेंस पर्सनल हु आर पोस्टेड इन दिस एरिया एंड आर सेफ गार्डिंग ओवर इंटरनेशनल बॉर्डर टू रिमेन्स इन टच विद दियर फैमिली। यदि ये टावर वहां पर लगते हैं तो मिलिट्री एरिया और डिफेंस के जो पर्सन हैं जो इस एरिया में पोस्टेड हैं, उनके परिवार और उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और सुविधाजनक ये कदम होगा। विद द एक्सपांशन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क इन रिमोट एंड डिफिकल्ट एरियाज ऑफ उत्तराखंड द लोकल पीपल्स विल बी एबल टू यूज हाई स्पीड 4G डाटा नेटवर्क टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन एंड वर्क फ्रॉम होम, सेड संजय मिनिस्टर। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि 4G नेटवर्क यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है, BSNL उसे प्रोवाइड कर देता है, तो बहुत सारी सर्विसेज जिसमें कि ई सर्विस, टेली मेडिसिन सर्विस, टेली एजुकेशन और वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं पर्सन वहां पे, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि BSNL और VRS से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।